तो 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन इस बीच आपको इस दौर के चुनावी दिग्गज दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सबसे वीआईपी सीट, राजकुमार सिंह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, इनकी सीट है आरा। वहीं हमीरपुर सीट से लड़ रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। मिर्जापुर से लड़ रही है वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, अपना दल की अध्यक्ष है। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री है, इनकी सीट है पटना साहिब। मनीष तिवारी चंडीगढ़ सीट से अपना दांव आजमा रहे हैं। आनंद शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री कांगड़ा से लड़ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भटिंडा सीट से लड़ रही हैं। कंगना रनौत मंडी सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वहीं रवि किशन भोजपुरी एक्टर हैं, गोरखपुर इनकी सीट है। पवन सिंह भोजपुरी गायक निर्दलीय काराकाट सीट से लड़ रहे हैं। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी पाटलिपुत्र सीट से लड़ रही हैं। ये तमाम दिग्गज हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी ममता बैनर्जी के भतीजे हैं, इनकी सीट है। डायमंड हार्बर जलंधर सीट से लड़ रहे हैं पूर्व सीएम पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी। वहीं गाजीपुर सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार देखिए, 80 में से 80 का दावा उत्तर प्रदेश के लिए किया गया है, लेकिन सातवें चरण में 13 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सीटें हैं वो बताइए, और आज आखिरी चरण में कहां कहां प्रचार दिग्गजों का दिखाई देगा? बिल्कुल, यहां देखिए 13 सीटों पर चुनाव है, 11 सीटें बीजेपी के पास है। मैं इस वक्त वाराणसी में हूं, और वाराणसी में इस वक्त देखेंगे तो दिग्गजों का जमावड़ा है बीजेपी के लिए। वजह भी है, प्रधानमंत्री मोदी जो हर बार यहां पर आखिरी दिनों में चुनाव प्रचार में जरूर होते थे, वो इस बार नहीं है, और ये उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि उनके नहीं रहने के बावजूद, पिछले 3 दिनों से नहीं रहने के बावजूद, पूर्वांचल और वाराणसी में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कल अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों ने अपनी अपनी रैलियां की हैं, बड़ी भीड़ जुटाई है, और साथ साथ इंडिया गठबंधन ने भी इस चरण में अपनी पूरी ताकत उन्होंने झोंक रखी है। इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, और उन्हें लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी की बड़ी तादाद में सीटें कम कर सकेंगे। और यही बात चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, लगातार अपनी सभाओं में कर रहे हैं जहां पर भीड़ जुट रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव अपना चुनाव भी है, वाराणसी से बेहद अहम है। इसके अलावा जो बहुत अहम सीटें हैं वो पूर्वांचल की कई सीटों पर, बलिया में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है नीरज शेखर के लिए। सनातन पांडे उनके खिलाफ हैं, लेकिन आप देखेंगे कि नारद राय सरीखे लोगों को बीजेपी ने अपने यहां शामिल कराया है, जो कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं। अफजाल अंसारी के खिलाफ इस बार पारसनाथ राय उतरे हुए हैं, तो ये सीट भी बेहद अहम है। इसके अलावा आप देखेंगे तो महाराजगंज से पंकज चौधरी हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। कुशीनगर की सीट है, देवरिया की सीट है, ऐसी तमाम सीटें हैं। हालांकि इसमें से ज्यादातर 11 सीटें बीजेपी ने पहले से ही जीत रखी हैं, लेकिन कल जब अमित शाह से मैंने बात की तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देने से आंकड़ा नहीं दिया। उन्होंने कहा बड़ी संख्या में हम सीटें जीतेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के जितने तमाम बड़े नेता हैं वो 80 में 80 का दावा करते आ रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि क्या ये जो आखिरी चरण है इसमें क्या बीजेपी अपने पुराने परफॉर्मेंस को दोहरा पाती है। ठीक है, बहुत ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में 80 में से कितनी सीटें बीजेपी एनडीए हासिल कर पाती है। लेकिन इस बीच जिस बातचीत का आप जिक्र कर रहे हैं अमित शाह के साथ, वो बातचीत अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। पहले चरण से आप लोगों ने 400 पार कहा, आखिरी चरण में अब कुछ घंटे का वक्त बचा है, कहाँ देखते हैं और यूपी कहाँ देखते हैं? निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे, और यूपी में भी हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया है आरक्षण का, इसके अलावा रोजगार का, संविधान को खतरे में रखने का, ये कहाँ है? देखिए, मोदी जी 10 साल से यहाँ पर है, पूर्ण बहुमत है, संविधान को कोई खतरा नहीं हुआ। विपक्ष को अपने अस्तित्व का खतरा दिखता है, संविधान पर कोई खतरा। मुस्लिम आरक्षण को लेकर के बहुत बात की गई है, आप लोग उसके विरोध में हैं, क्या आपकी जहां जहां सरकारें हैं आप समीक्षा करेंगे? हम विरोध में नहीं है, संविधान विरोध में। पिछड़ापन का सर्वे करे बगैर धर्म के आधार पर आरक्षण मुसलमानों को नहीं देंगे। पीओके का बहुत सारा झंडा दिखाई दिया है, क्या पीओके लेंगे ऐसा लग रहा है, बहुत इसकी चर्चा है? स्वाभाविक रूप से पीओके भारत का है, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, हम प्राप्त कर करेंगे। बहुत शुक्रिया।
शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, 8 सीटों पर मतदान होना है आखिरी चरण का बिहार में, लेकिन 3 जो बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। पाटलिपुत्र सीट, पटना साहिब की सीट और आरा की सीट। बिल्कुल नया देखिए, 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है जैसा आप खुद बता रही हैं, लेकिन पटना साहिब सीट जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद एक बार फिर से उम्मीदवार हैं, वहां बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। पाटलिपुत्रा सीट पर कड़ी टक्कर है क्योंकि मीसा भारती यहां से चुनाव लड़ रही हैं और सामने जो सिटिंग सांसद हैं बीजेपी के वो रामकृपाल यादव हैं। आरके सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं आरा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर भी बीजेपी को थोड़ा एज है, लेकिन बहुत जबरदस्त टक्कर नेहा काराकाट सीट पे है जहां उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के सहयोगी दल के नेता है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, वो लड़ाई में फंस गए हैं और लड़ाई में फंसने की वजह बने हैं पवन सिंह, तो वहां बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। यही स्थिति कमोबेश बक्सर लोकसभा सीट पर है, वहां एक निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई है। और देखिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है अंतिम चरण के लिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बक्सर में रोड शो कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, हालांकि वो फिट नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो व्हील चेयर पर घूमते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार कैंपेन कर रहे हैं। किसी बड़े नेता बीजेपी के किसी बड़े दिग्गज की आज चुनावी सभा तो नहीं है बिहार में, लेकिन हाँ जो स्थानीय नेता हैं और जो जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं अलग अलग सीटों पे, उन नेताओं को कहा गया है कि अंतिम दिन प्रचार में पूरी ताकत लगाएं, इसके बाद स्टार प्रचारकों का काम खत्म हो जाएगा नेहा और बाकी काम शुरू होगा जो उम्मीदवार हैं आखिरी चरण में उनका। 134 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में, कम से कम 4 राज्यों का हाल यहाँ पर हमने जान लिया है, 3 राज्यों का। दिल्ली से यहाँ पर तमाम दिग्गज भी स्टार प्रचारक के रूप में इन अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं क्योंकि 57 सीटों पर 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है। तो आपने इंडिया गठबंधन के नेता क्या कुछ दावा कर रहे हैं ये देखा, सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी लगातार दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी 200 सीट के नीचे से मट जाएगी। कल केजरीवाल ने पंजाब के मुक्तसर साहिब में कहा कि अगर पंजाब से आपके 13 सांसद जीते तो पंजाब के हक के लिए वो सारे सांसद मोदी के घर धरना देंगे, यानी मोदी ही पीएम बनेंगे तभी तो आपके सांसद वहां धरना देंगे। आपने हमें 117 में से 92 सीट दी, 92 हमारे हाथ मजबूत किए, इसी वजह से हम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। अब 13 की 13 दे दो, ये दिल मांगे मोर, ये 13 की 13 दे दो। देखो केंद्र सरकार बहुत तंग कर रही है, पंजाब के हक नहीं दे रही, 9,000 करोड़ रुपया पंजाब का लेके बैठी है केंद्र सरकार। उस पैसे से गांव गांव में सड़कें बननी थी, आपकी सड़कें नहीं बन रही, मोदी सरकार लेके बैठी है पैसे। अगर आप ये 13 MP दे दोगे, ये 13 MP मोदी जी के घर जाके बैठे रहेंगे, जब तक पैसे नहीं देंगे ये बाहर नहीं आएंगे, काम आपके काम करके लाएंगे, आपके हक लेके आएंगे। और 7वें दौर में बड़ी चुनावी जंग पश्चिम बंगाल में है जहां बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। परसों प्रधानमंत्री ने यहां रोड शो किया और कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में नड्डा ने बंगाल को लेकर बड़ा दावा किया। इस बार क्या लगता है बंगाल का रिजल्ट क्या होने वाला है? बंगाल में जो मैं उत्साह देख रहा हूं और जो मैं उमंग और खुशी देख रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का विश्वास देख रहा हूं, मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि ममता जी लोकसभा के चुनाव में हार रही हैं और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आ रही है। हमारी पीछे 18 सीटें थी, हम इससे कहीं ज्यादा यानी हम जस्ट डबल के आसपास हम जाएंगे, 30+ हम रहने वाले हैं। यहाँ की जनता ममता जी से नाराज है और उनको आशा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी से है, और इसलिए एक तरफा फैसला कमल के निशान पर बंगाल की जनता दे रही है। आप देखिए ये उत्साह देखिए, इतनी रात इतनी गर्मी में इतनी जनता उभरी हुई है, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में।